हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि शेख। तो आज बहुत ही ज्यादा गुस्से के मूड में, क्योंकि काफी सुबह से लेकर अभी तक काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोले कि भाई एएसएन मूवी हिंदी में रिलीज क्यों नहीं हो रही, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो मैं उन लोगों से इतना बोलूंगा कि जो बॉलीवुड है ना भाई, ये बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स करता है। यहाँ पर आपको नेपोटिज्म देखने को मिल जाएगा, बड़े बड़े एक्टर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी फिल्में देखने को मिल जाएगी बिना सर पैर की। स्टोरी कुछ होती नहीं है, बस आदमी 500-600 अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हो, अगर मुंबई में रहते हो तो मैं आपको यहाँ की टिकट रेट बता दूं, 500, 600, 800, 900 ऐसे यहाँ पे टिकट रेट से। सिर्फ कुछ ही थिएटर है जहाँ पर 150 रुपए देखने को मिल जाएगा, वरना मैक्सिमम थिएटर में आपको 500, 350, 800 ऐसी टिकट रेट मिल जाएगी। और फिल्मों के नाम पे बॉलीवुड वाले सिर्फ लोगों को चूतिया बनाते हैं। आप प्रीवियस फिल्मों की बात तो छोड़ दो 2019 की, मैं आपको 2020 की जो जनवरी में रिलीज हुई है, सिर्फ तानाजी और पंगा ये दोनों मूवी को छोड़ के एक से बढ़कर एक थर्ड क्लास पिक्चर रिलीज हुई है। मैंने लिस्ट लेके आपको बताता हूँ, आप खुद सुनो। भंगड़ा पाले, सब कुशल मंगल, शिमला मिर्ची, छपाक, जय मम्मी दी, और सबसे वाहियात पिक्चर जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी उसका नाम था स्ट्रीट डांसर 3D। स्ट्रीट डांसर 3D देख के तो ऐसे ही लगता है कि ये फिल्म देखकर अपने आप को सुसाइड कर लो, या तो फिर जो इस तरीके की फिल्में बना उन लोगों को जेल में डाल दो। सिर्फ लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ बनाया कि आपको बताने से, यहाँ पर मैं बैड वर्ड यूज कर सकता था लेकिन मैं जानता हूं अगर मैं बैड वर्ड यूज करूंगा तो इस वीडियो को स्ट्राइक आ जाएगी, या तो इस वीडियो को ब्लॉक कर देंगे, फला फला चीजें कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आवाज पहुंचे और आज जितने भी कनाडा मूवीज जो देखते, जो पसंद करते, जो एएसएन को सपोर्ट करते, वो मैं उन लोगों को जितना बोलूंगा इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। क्योंकि एएसएन जैसी बढ़िया फिल्म जिसको मैंने हर लैंग्वेज में देखा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मैंने कनाडा लैंग्वेज में देखा, और कनाडा लैंग्वेज में देखकर तो मैंने रिव्यू भी किया था। अगर आप लोगों ने रिव्यू चेक नहीं किया तो रिव्यू भी चेक करो। इतनी बेहतरीन पिक्चर को छोड़ के आप इतनी छड़ीली पिक्चर रिलीज करो, उनको स्क्रीन दे रहे हो, लेकिन आप एएसएन मूवी को स्क्रीन नहीं दे रहे हो। सीधे सीधे आपको समझ में आता है कि बॉलीवुड इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेलता है कि इसकी कोई हद नहीं। और मैं तो आप सब लोगों से इतना ही बोलूंगा कि भाई बॉलीवुड की मूवीज को बैन करो, बॉलीवुड की मूवीज को मत देखो, सिर्फ पैसा वेस्ट करते हैं। आप देखो ना, जनवरी में इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई लेकिन एक फिल्म में भी कंटेंट नहीं था। तानाजी जबरदस्त मूवी थी, पंगा अच्छी ओके, लेकिन उसके अलावा कौन सी फिल्म जो जनवरी में बहुत अच्छी फिल्म थी जो बोल के बोल सकते हाँ भाई पैसा वसूल हुआ, नहीं ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि दिसंबर में चलो एएसएन मूवी रिलीज होने वाली थी 2019 में, लेकिन रक्षित शेट्टी के कुछ अपने पर्सनल इश्यूज थे, चाहे वो अक्षय कुमार की मूवी गुड न्यूज के साथ रिलीज नहीं करवाना चाहते थे, चलो जो भी था, लेकिन उन्होंने जब 17 जनवरी को रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की तो इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों नहीं मिले? क्या रक्षित शेट्टी को नया नाम है? भाई मैं उन लोगों की तरह बोलूंगा, बॉलीवुड के जो डिस्ट्रीब्यूटर है मैं उनको बोलूं, रक्षित शेट्टी अगर आप सैंडलवुड में जाके पूछोगे तो वो एक ऐसा उभरता सितारा जिसके इतने ज्यादा फैंस है कि उतने तो बॉलीवुड के जो यंगस्टर जो एक्टर है उनके भी फैन नहीं होंगे। यार एक हिसाब से कुछ भी खेलना है पॉलिटिक्स तो हिसाब से ले क्या होता है, मतलब तुम अच्छी जो फैंस क्या करते, फैंस आप लोग से क्या जाते, फिल्में जाते, अच्छी अच्छी फिल्में देखने जाते, पैसा देते, कोई हराम के पैसा तो नहीं, सब मेहनत से कमाते, सोचते चलो एंटरटेन होंगे, एंटरटेनमेंट के नाम से आप तुम एक से बढ़कर एक वाहियत पिक्चर दिखा रहे हो। स्ट्रीट डांसर 3D उसमें कहानी किधर थी, सिर्फ ऐसा लग रहा है कोई रियलिटी शो देख रहे, वो भी ऐसा लग रहा है कि वो देखी दिखाई चीजें ही देख रहे, मतलब क्या था? भंगड़ा पाले, जय मम्मी दी, सब कुशल मंगल और छपाक, मतलब क्या है यार? जब एक अच्छी फिल्म बन गई है और उसने प्रूफ भी कर दिया, चाहे वो कनाडा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम, सब लैंग्वेज में रिलीज होगी, उसने प्रूफ कर दी कि उस फिल्म में दम है। मैं 4 बार उस फिल्म को देखा, फिल्म का कंटेंट इतना जबरदस्त है, कुछ अलग हटके देखने को मिलता है, तो उस फिल्म को रिलीज नहीं करो। उसके अलावा आप सारी की सारी फिल्मों को आपको स्क्रीन देने का टाइम है। मुझे तो समझ में आ रहा है कि बॉलीवुड और डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग क्या चाहते, समझ में आ रहा, या तो उन लोगों को डर है कि सैंडलवुड की जितनी भी फिल्में अब वो लोग ज्यादा देखने लगेंगे तो बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखेंगे, क्या ये डर है, या KGF मूवी ने जिस तरीके से धमाल मचाया आप नहीं चाहते कि एएसएन मूवी उसी तरीके का धमाल मचाए? वजह क्या है? लोगों को वजह साफ साफ बताओ, या तो फिर मैं इतना ही बोलता था, जितने भी कनाडा मूवीज देखते हैं, जो भी एएसएन मूवी को देखना चाहता था हिंदी ऑडियंस, वो लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को इतना वायरल करें ताकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स उन लोग तक ये बात पहुंचे कि एएसएन जैसी बढ़िया मूवी को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, एएसएन जैसी बढ़िया मूवी को आप स्क्रीन नहीं दिला सकते तो आपका मतलब क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोल के? मैं जानता हूं एएसएन मूवी की हिंदी डब हो चुकी है और हिंदी डब होके भी कम से कम 2 से 3 हफ्ते हो चुके, लेकिन अभी तक के अनाउंसमेंट नहीं, ना इसका सेकंड ट्रेलर आया, ना ही कुछ भी पता नहीं चला। क्यों? एक अच्छी खासी फिल्म को आप लोग बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि ये मूवी थिएटर में रिलीज नहीं बल्कि कोई OTT प्लेटफॉर्म में, या तो उससे भी गिरी हुई चीज हो जाएगी कि भाई ये किसी चैनल पर रिलीज हो जाए। मुझे तो अब यही डर लग रहा है, क्योंकि ये मूवी जो थिएटर में देखते हैं जो मजा है ना, मुझसे पूछो भाई 4-4 बार इस फिल्म को देखो, जो एक्सपीरियंस का थिएटर में ना वो टेलीविजन पे देखने नहीं मिलेगा, ना ही किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा।
मैं चाहता हूँ कि ये मूवी थिएटर में रिलीज हो, और जितने भी एएसएन मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं स्पेशली उन लोगों को बोलूंगा भाई इस वीडियो को वायरल करो, क्योंकि मैं अकेला सपोर्ट करूंगा तो कुछ फायदा नहीं। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रक्षित शेट्टी और उनकी टीम को हम जैसे फैंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलना चाहिए, और इसको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो दूसरी बॉलीवुड फिल्मों को मिलता है। स्क्रीन्स भी इसके ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म में मैंने इस फिल्म को देखा हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस फिल्म में दम है। क्योंकि आप जनवरी की जितनी बॉलीवुड फिल्मों को देखो ना भाई, ये कहीं पे भी नहीं ठहरती है इसके सामने। जब ये सब फिल्में रिलीज हो सकती है, इसका प्रमोशन हो सकता है, तो फिर एएसएन मूवी क्यों नहीं रिलीज हो सकती? अभी भी वक्त है, मैं बोल रहा हूँ भाई सपोर्ट करो एएसएन मूवी को। जितने भी कनाडा मूवीज जो लवर्स है भाई, इस वीडियो को शेयर करो, जरा मेरे पे मेहरबानी करो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अकेला करूंगा, कुछ होने वाला नहीं है। जितना प्यार आपने मुझे एएसएन मूवी का जो रिव्यू किया था उसमें दिया था, वही प्यार आपका इस वीडियो में भी मिलना चाहिए, वरना मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं आप लोगों से लास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला करूंगा ना कुछ मतलब नहीं, सिर्फ कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा वीडियो को वायरल करो। देखिए अरहान एंटरटेनमेंट का बस एक ही मकसद है कि जितनी भी अच्छी फिल्में होगी, जितनी भी अच्छा कंटेंट होगा, हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। हमारा आठ आने का भी फायदा नहीं है भाई, आठ आने तो बंद हो गया, लेकिन एक रुपए का भी फायदा नहीं, चलो। लेकिन कम से कम हम चाहते हैं कि जितने फैंस जो फिल्म देखते हैं तो कम से कम उनका तो पैसा वसूल हो, चीजें अच्छी देखने मिले। तो बस यार इस वीडियो में इतना ज्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ाऊंगा, कोई देखता नहीं है। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि भाई अच्छी चीज को सपोर्ट करो, एएसएन के साथ साथ इस वीडियो को सपोर्ट करो, इस वीडियो को शेयर करो। और रक्षित शेट्टी से इतना बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद है सर, तो प्लीज आप जल्दी से जल्दी मुझे या फिर ट्विटर पे आप कर दीजिए अनाउंस की फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ये फिल्म रिलीज होगी कि नहीं थिएटर में, या क्या क्या होने वाला है इस फिल्म के साथ, हम लोग को जल्दी से जल्दी बताओ। ये एज ए फैन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये चैनल छोड़ दो, बस मैं आपको एज ए फैन कह रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि चेक और आप सब देख रहे हो अरहान एंटरटेनमेंट। तो बस इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, मिलूंगा कल किसी नए वीडियो में। दिल दुआ में याद रखना,